रावला कोट रस के नवाही इलाकों में बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, जिससे लुत्फानंदोज होने के लिए मुल्की और बैन अल-अक़वामी सयाहों ने वादी पल के पुरफजा मुकामात का रुख कर लिया। में हब्स और गर्मी से तंग आकर अवाम ने आजाद कश्मीर की सरसब्ज और शादाब चोटियों और सेहत अफजा मकामात का रुख कर लिया, जहां अगर ये जहनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को इंतहाई आसूदा महसूस करते हुए कुदरती हुस्न दिलकशी से मालामाल वादियों और सुहाने मौसम से महजूज हो रहे हैं, जिनमें गैर मुल्की सियाह भी शामिल है जिन्हें वादी पल के कुदरती हुस्न ने बेहद मुतासर किया। So from Toronto, I just wanted to say that this Kashmir, like, it's very, very pretty. Photos don't do justice, so please, if you can, come here and go around. It's very, very nice. Oh, we're actually from Toronto. Like, our whole family were visiting Azad Kashmir for the first time. We're actually also visiting Northern Pakistan. So we're at Toli Pir here right now. It's very beautiful here, the scenic, all the clouds, all this greenery. The only complaint we have is that there's a lot of garbage. I feel like the tourists come and they don't care about the environment, about the greenery. They just eat food here, toss the garbage here, and just go. बारिश के बाद के जादुई मनाजर से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी लुत्फानंदोज होते रहे। प्यारी जगह है तोली पीर, बहुत सी और भी जगह हमने देखी हैं, लेकिन यहाँ के जितना मजा आ रहा है उतना कहीं नहीं आया। और जो अपना बिजी लाइफ स्टाइल है उसमें अच्छा है की कभी कभी आउटिंग हो जाए करे, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। यहाँ पे काफी अच्छा मौसम था, हमने जब हाइकिंग स्टार्ट की थी उस टाइम थोड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन ऊपर आते आते ज्यादा फॉग होती गई, मौसम ठंडा होता गया और हमें बहुत मजा आया। हमने काफी एंजॉय करते हुए हाइकिंग की और टॉप भी बहुत खूबसूरत है। रावलपिंडी से आए हैं और यहाँ पे हम रावलपिंडी से तोली पीर आए, तो यहाँ पे जो हम लोग जब चढ़ रहे थे तो बड़ी मुश्किल थी हाइकिंग, बहुत फॉग होती गई, तो हम लोगों को मजा भी बहुत आ रहा है। यहाँ पे जब टॉप भी इसका बहुत खूबसूरत है, हम हॉर्सेस पे भी बैठे थे, हमें यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है, हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों ने हाइकिंग भी की है, यहाँ काफी धुंध है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी है यहाँ पे। हम लोग काफी देर हो गई हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। बाल सियाओं ने इन खूबसूरत और दिलफरेब मनाजर को ज़हनी सुकून का बायस करार दिया, जबकि बाज ने इन इलाकों के कुदरती हुस्न दिलकशी को बरकरार रखने के लिए तजावीज भी पेश की। चंद एक चीजें जो होनी चाहिए, नंबर एक तो ये है की यहाँ पे पब्लिक वाशरूम होने चाहिए। पब्लिक वाशरूम कुछ तो बने हुए लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये मसला है कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह प्रॉपर डस्टबिन होने चाहिए। तो नेचर जब भी खूबसूरत लगती है जब वहाँ कचरा नहीं हो, तो मेरा बस लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ आए सारे टूरिस्ट वो यहाँ आकर सफाई का ख्याल रखें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, दूसरे को इनकरेज करें। अगर किसी को कचरा फेंकते हुए देखें तो उसको मना करें, लेकिन वैसे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, हमें आना चाहिए, अपने टूरिज्म को फरोग देना चाहिए। रावला कोट और उसके नवाब में मौजूद ये सियाती मकामात हुकूमत और महकमा सियात की खुसूसी तवज्जा चाहते हैं ताकि इनका कुदरती हुस्न बरकरार रह सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मसूद गद्देजी, UK & Europe 44, रावला कोट, आजाद कश्मीर।